WWE WrestleMania 39 को ख़त्म हुए लगभग अब से एक महीना हो गया है, लेकिन यहाँ पे मेरे को जब भी जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी का ये जो मैच याद आता है ना, तो वहाँ से मेरे को एक चीज़ पता लगती है कि WWE में अब एक चीज़ तो कन्फर्म है, जॉन सीना लाइफ में कभी एक मैच नहीं जीत सकते पेपर व्यू में, और मैंने जॉन सीना से बड़ा जॉबर नहीं देखा। मतलब जॉबर का मतलब एक ऐसा लेजेंड जो वापस आता है और भाई हर मैच को हार जाता है। मतलब देखो, एक लेजेंड गोल्डबर्ग भी हैं, लेकिन गोल्डबर्ग का आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई ये बंदा हारने के लिए आया है। आप ये भी कह सकते हो कि भाई दो मिनट में हो सकता है कि हमारे फेवरेट सुपरस्टार को स्पीयर मार के खा जाए। गोल्डबर्ग हमारे फेवरेट सुपरस्टार को हराने की औकात रखता है, लेकिन आप जॉन सीना के बारे में कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे कि ये जीत सकता है। तो आज की डेट में मतलब WWE ने इतना गिरा दिया है, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी के मैच के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि जब रेसलमेनिया खत्म हुआ था तो मैंने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैचेस के रिव्यू कर दिए थे, गंथर के मैचेस के रिव्यू किए थे, ये वाला मैच का रिव्यू नहीं किया था। और मेरे को किसी ने कमेंट में बोला था कि भाई जॉन सीना क्या सुपरस्टार नहीं है, उसका भी एक बार रिव्यू कर दो आप। तो थोड़ा सा मैं दो मिनट के लिए रिव्यू कर देता हूँ, उसके बाद मैं बाकी के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, इस वाले मैच में ना, ये वाला मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई मतलब WWE ने बुकिंग्स अच्छी नहीं की थी, यहाँ पे शो की शुरुआत जॉन सीना ने की। और क्योंकि ये वाला मैच यूनाइटेड स्टेट्स वाला मैच था, जब एक टाइम पे जॉन सीना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हुआ करते थे, तो ये वाला मैच हमेशा शुरू में रहा करता था। तो यहाँ पे था बहुत ही बेहतरीन, बस टाइटल किसी दूसरे से सुपरस्टार के पास थी, वो थे ऑस्टिन थ्योरी। तो उस चीज़ में कोई भी दो राय नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बुकिंग की। शो में सबसे पहले नंबर पे वाला मैच रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बाकी के जो बात के मैचेस थे ना, वो रेसलमेनिया नाइट 2 के कंपैरिजन में उतने अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पे मेरे को लगा कि ठीक है, अगर कोई सवेरे 4:30 से 5 बजे अगर उठ के रेसलमेनिया देखना चाहता है, तो यहाँ पे जॉन सीना का मैच अगर उसको स्टार्टिंग में मिलता है तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे WWE ने ऐसा किया भी, लेकिन यहाँ पे WWE ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि इस मैच को लंबा बुक नहीं किया। अब ये वाला मैच देखो 8 से 9 मिनट के बीच में चला, मैं पूरे एंट्रेंस वगैरह मिला के बोलता हूँ। ये वाला मैच यहाँ पे अगर एंट्रेंस को मैं हटा देता हूँ तो 5 से 6 मिनट का ये वाला मैच था, और इस 5 से 6 मिनट में जॉन सीना का एटीट्यूड एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, देखो पहले WWE जॉन सीना को जॉबर की तरीके से तो ट्रीट कर रही है, वो तो ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन अब यहाँ पे मैचेस इतने बेकार देने शुरू कर दिया कि भाई अब एटलीस्ट जॉन सीना को अपना फिनिशर भी मारने को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन देखो, यहाँ पे जिस तरीके से वाला मैच चलता है ना, यहाँ पे एक टाइम पे ऐसा होता है कि यहाँ पे रेफरी नॉकआउट हो जाता है, थोड़ा सा भी अगर रेफरी को टच हो गया ना तो रेफरी तो बेहोशी हो जाता है, उस तरीके से इनकी एक्टिंग रहती है। यहाँ पे जॉन सीना ने FTFU लगा दिया, सॉरी यहाँ पे जॉन सीना ने अपना एक सबमिशन लगाया था, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, कमेंट कर देना अगर आपको पता होगा तो। तो जॉन सीना ने यहाँ पे इनको सबमिशन लगाया, और यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी ने टैप आउट भी कर दिया। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, यहाँ से मैच में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जॉन सीना ने यहाँ पे टैप आउट करवा दिया, मतलब सबमिशन करवा दिया ऑस्टिन थ्योरी से। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे अब ऑस्टिन थ्योरी 2-3 फिनिशर मारेंगे, जॉन सीना भी फिनिशर मारना शुरू करेंगे, और रॉक के जैसा जिस तरीके से उन्होंने मैच दिया था, वो वाला फीलिंग मेरे को आने शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जैसे ही रेफरी वापस उठता है ना, तो यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी ने अपनी करतूत कर दी, एक फिनिशर मारा और जॉन सीना का ये वाला मैच ही खत्म हो गया। अब जैसे ये वाला मैच खत्म हुआ तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, किस तरीके से मेरे को फील हो रहा था। अगर विंस में कहना तो Triple H जिसने भी इसको मैच को बुक किया हुआ था ना, वो अगर मेरे सामने बैठता तो मैं बताता कि किस तरीके से फील हो रहा था। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली जॉन सीना तो ये वाला मैच हार गए, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक चीज़ जरूर अच्छी नहीं लगी कि मेरे को तो पता था कि देखो पिछले 4 साल से जॉन सीना ने कभी भी एक मैच नहीं जीता है। वो जो स्मैकडाउन में रोमन रेंस के खिलाफ मैच जीता था ना, वो 31 दिसंबर 2022 वाले में जीता था, और वो स्मैकडाउन का मेन इवेंट था। मैं यहाँ पे पेपर व्यू की बात कर रहा हूँ, अगर आप 2018 से कोई भी पेपर व्यू कंपेयर करके देखोगे ना, तो जॉन सीना ने यहाँ पे एक भी मैच नहीं जीता है। तो यहाँ पे अच्छे सुपरस्टार से मैच लड़ने की तो बात ही छोड़ दो, जॉन सीना को नॉर्मल मैचेस भी जीतने को नहीं मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जॉन सीना के फ्यूचर के बारे में। मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई अब जॉन सीना हॉलीवुड सुपरस्टार रहे, हम उनको मूवीज में देखना चाहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। मैं नहीं चाहता भाई कि जॉन सीना वापस आए और यहाँ पे जॉन सीना का कचड़ा हो जाए। एक ऐसा बंदा जिसने 16 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती हो, जिसने अपने टाइम पे भाई बड़े बड़े फिनिशर्स में 2 में किक आउट किया हो, अंडरटेकर के टॉप स्टोन को भी उसने 2 में किक आउट किया है, तो यहाँ पे एक इतना बड़ा सुपरस्टार भाई जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हराता है, जॉन सीना ने दी अंडरटेकर को मंडे नाइट रॉ में हराया हुआ है, तो यहाँ पे एक ऐसे पेपर व्यू में आके ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ मैच हार जाते हैं। देखो वाली बात अलग है, अगर आप बोलोगे ना कि एक यंगर सुपरस्टार को यहाँ पे पुश करने के लिए आ रहे हैं, हिस्ट्री नाम की एक कोई चीज़ होती है। अब देखो जॉन सीना की जगह अगर यहाँ पे केन आते ना, अथवा बतिस्टा आते, कोई ऐसा सुपरस्टार आता जो ऑस्टिन थ्योरी से हार जाता, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन
लेकिन भाई एक ऐसा सुपरस्टार जो कंपनी का फेस सुपरस्टार था, एक टाइम पे वो डबल चैंपियन भी बने थे भाई, दो बार रॉयल रंबल ये जीत चुके हैं। तो इतने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जब इतनी अचीवमेंट्स है जॉन सीना की, तो यहाँ पे WWE इनको इस तरीके से पुख नहीं कर सकती। यहाँ पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है कि जब जॉन सीना को इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, मेरी फीलिंग्स बहुत दिन से थी, मैं ऐसा चाहता था कि भाई जॉन सीना के लिए ऐसा एक वीडियो लेके आए। यहाँ पे मेरा ऐसा मानना कि भाई जॉन सीना को कभी वापस ही ना लाए तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं नहीं देखना चाहता भाई एक ऐसे बंदे को जो कि एक टाइम पे WWE में टॉप स्टार था, आज की डेट में वो केवल मैचेस हारने के लिए वापस आता है, मैं नहीं देखना चाहता हूँ। पूरी लेगेसी बर्बाद होती है। आज की डेट में आप भी जॉन सीना को एक जॉबर की तरह देखते हो। हाँ, आप एक्साइटेड हो जाते हो जब जॉन सीना वापस आता है, लेकिन आपको पता होता है कि जॉन सीना हारेगा, तो इतना भी प्रिडिक्टेड WWE नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से वाला मैंने वीडियो बनाया। आप अपने कमेंट करके बता सकते हो कि जॉन सीना के बारे में आप क्या सोचते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस डे।